उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक संस्कृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। अनेक देशों में भ्रमण करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संगठन के बिना संसार में कोई भी महान एवं स्थायी कार्य किया ही नहीं जा सकता। संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से आगे निकल जाना। शिक्षा क्या है? क्या यह पुस्तक विद्या है? नहीं। क्या वह नाना प्रकार का ज्ञान है? नहीं, ये भी नहीं। जिस संयम के साथ इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास वश में लाया जाता है और वह फलदायक होता है, वही शिक्षा कहलाती है। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात पर ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। हम भगवान को खोजने कहाँ जा सकते हैं? अगर उनको अपने दिल में और हर एक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते, तो हम भगवान को खोजने कहाँ जा सकते हैं? पीड़ितों की सेवा के लिए आवश्यकता पड़ने पर हम अपने मठ की भूमि तक भी बेच देंगे। हजारों असहाय नर नारी हमारी नेत्रों के सामने कष्ट भोगते रहेंगे और हम मठ में रहेंगे, यह असंभव है। हम सन्यासी हैं, वृक्षों के नीचे निवास करेंगे और भिक्षा मांगकर ही जीवित रह लेंगे। वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं रखता। यह देश धर्म, दर्शन और प्रेम की जन्मभूमि है। ये सब चीजें अभी भारत में विद्यमान हैं। मुझे इस दुनिया की जो जानकारी है ना, उसके बल पर दृढ़तापूर्वक कह सकता हूँ कि इन बातों में भारत अन्य देशों की अपेक्षा आज भी बहुत श्रेष्ठ है। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ अपने अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। आपकी अपनी आत्मा के अलावा कोई दूसरा आध्यात्मिक गुरु भी नहीं है। अनुभव ही आपका सर्वोत्तम शिक्षक है। जब तक जीवन है, अपने अनुभवों से सीखते रहो। बल ही जीवन है और दुर्बलता मृत्यु है। किसी की निंदा ना करिए। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़ लीजिए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। धर्म कल्पना की चीज नहीं है, प्रत्यक्ष दर्शन की चीज है। जिसने एक भी महान आत्मा के दर्शन कर लिए, वह अनेक पुस्तकी पंडितों से बढ़कर है। यदि परिस्थितियों पर आपकी पकड़ मजबूत है, तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। धर्म ही हमारे राष्ट्र की जीवन शक्ति है। यह शक्ति जब तक सुरक्षित है, तब तक विश्व की कोई भी शक्ति हमारे राष्ट्र को नष्ट नहीं कर सकती।